प्रथम तहलका न्यूज। और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में तेजी से जो है वो वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश ने कोविड वैक्सीन के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 1,47,00,000 के करीब लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 52,67,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो लग चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी। आपको बता दें कि हरियाणा में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का आंकड़ा भी जारी किया गया और इसमें 1,90,00,000 के करीब जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हरियाणा से आ रही है, जहां कोविड वैक्सीनेशन का काम पूरी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 1,47,00,000 के करीब लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 52,67,000 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लग चुकी है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हरियाणा से आ रही है। आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने हरियाणा में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का आंकड़ा भी जारी किया। आपको बता दें कि 1,90,00,000 के करीब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या है, जिसमें से 1,47,00,000 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 52,67,000 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हरियाणा से आ रही है।